मारवाड़ जंक्शन में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के चुनावी प्रत्याशी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी केसाराम चौधरी ने भी ग्रामीण क्षेत्र खिवाड़ा, सिवास, घनेड़ी और किशनपुरा में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रत्याशी केसाराम चौधरी ने मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में विकास को मुख्य मुद्दा मानते हुए विकास की बात कही और बोला कि पिछले चुनाव में हार भले ही हुई हो लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार मारवाड़ जंक्शन में बीजेपी अपना जीत दर्ज करेगी। आप देखिए, जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है और ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जनता ने मन में ठान ली है कि आने वाली 25 तारीख को कमल के आगे बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केसाराम को जिताना है। हमारा नेता कैसा हो? पहला मुद्दा तो ये है कि इस कांग्रेस सरकार में 5 साल में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, जनता उससे त्रस्त है। पुलिस को, तहसील को, कहीं भी जाओ बिना पैसे कोई काम होता ही नहीं था, इसलिए जनता में अब की बार इतना आक्रोश है। मैंने ये छठा चुनाव लड़ रहा हूँ मगर 6 चुनावों में जितना जनता को अब की बार आक्रोश है, ऐसा आक्रोश कभी देखने को नहीं।